गाइस कैसे हो साहब। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आपको अपने चैनल पाकिस्तानी ब्रोस पर। तो गाइस आज आ गया हूँ मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऑसम किस्म की वीडियो के साथ। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, क्योंकि ये मतलब कंपैरिजन है दो सिटीज़ का। तो वीडियो का टाइटल है चेन्नई वर्सेस कोलकाता कंपैरिजन, मतलब इसमें कोलकाता और चेन्नई वर्सेस चेन्नई का कंपैरिजन किया जाएगा। उसमें मतलब फैक्ट्स सब कुछ, मतलब शायद मे बी जीडीपी सब कुछ बताया जाए। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा फ़िलहाल बोर नहीं करता, पहले से जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको अपना रिव्यू देता हूँ। उससे पहले मैं लगा लूँ अपनी टूटियाँ। तो टूटियाँ मैंने लगा ली, आई एम डन। सो इसको क्लोज कर दूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो काउंट डाउन अपना 1 2 3 एंड स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेन टिकट। दोस्तों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की सबसे बड़ा शहर और तमिलनाडु की कैपिटल। अच्छा, कैपिटल है तमिलनाडु का। और वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ा शहर और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता के बारे में। दोनों ही सिटी के बारे में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ये भी जानेंगे कि दोनों ही सिटी में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है। तो पहले बात कर लेते हैं चेन्नई के बारे में। लेकिन वीडियो इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो का, तो आप प्लीज चेकआउट कर लेना। प्लेंटी फैक्ट नाम है, काफी अच्छा चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन्नई तमिलनाडु की सबसे बड़ा शहर है और चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल सिटी भी है। चेन्नई शहर बे ऑफ बंगाल के कोरोमंडल कोस्ट में स्थित है और इस शहर को साउथ इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल और इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। चेन्नई को पहले मद्रास नाम से भी जाना जाता था। रहते हैं। इसके अलावा चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, इंडिया हेल्थ कैपिटल, सिटी ऑफ फ्लावर्स और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। काफी सारे नाम है। चेन्नई शहर 426 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया 1189 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2019 में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया की कुल आबादी लगभग 1,10,00,000 के आसपास है। 1 करोड़। लॉनली प्लैनेट के अकॉर्डिंग चेन्नई दुनिया के 9th बेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। बेस्ट। और 2017 में चेन्नई को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। चेन्नई को ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया भी, मतलब सारी गाड़ियां तैयार होती हैं, क्योंकि भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई में ही मौजूद है। वाओ चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन यानी कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास ये भारत के सबसे पुराना और दुनिया का दूसरा सबसे पुराना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से चेन्नई पूरी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की लिस्ट में टॉप 10 पे आती है। चेन्नई में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है और इस शहर में 45% विदेशी पर्यटक सिर्फ हेल्थ पर्पज से ही आते हैं। इनकावरेज हाउस ऑफ हिरंदनी 45 फ्लोर्स के साथ चेन्नई की सबसे ऊंची इमारत है। ये सबसे ऊंची है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एंड सेंटर फॉर हार्पेटोलॉजी एशिया के एकमात्र क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। इतने ज्यादा मगरमच्छ पाले रखे हुए थी। और भारत का सबसे पुराना जेल सेंट्रल प्रिजन जेल इसी शहर में मौजूद है। खतरनाक जेल था। चेन्नई के गुंडी में स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देश की सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। मद्रास हाईकोर्ट बिल्डिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जुडिशियल बिल्डिंग है। भारत में पहली बार के लिए बैचलर डिग्री कोर्स में म्यूजिक का इंट्रोड्यूस मद्रास यूनिवर्सिटी ने ही किया था। भारत का सबसे पुराना शॉपिंग मॉल स्पेंसर प्लाजा चेन्नई में ही बनाया गया था। चेन्नई भारत की चेन्नई से चीजें शुरू हुई हैं, जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के टाइम भी अटैक किया गया था। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 4th मोस्ट बिजी एयरपोर्ट है और ये शहर साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। 2007 में चेन्नई में मेट्रो रेल चलाने की प्लानिंग की गई थी और 2015 में चेन्नई में मेट्रो रेल चालू हुआ। 2015 में चेन्नई कोयम्बेडु सीएमबीटी बस टर्मिनल एशिया के सबसे बड़ा बस टर्मिनल है। एशिया का सबसे बड़ा। बे ऑफ बंगाल के लार्जेस्ट सी पोर्ट है और ये भारत का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट भी है। भारत के सबसे पुराना हॉस्पिटल
और एशिया के सबसे पुराना आई हॉस्पिटल इसी शहर में सबसे पुराना चेन्नई की मेरीना बीच इंडियाज लॉन्गेस्ट सी बीच है। तो दोस्तों ये थी चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चेन्नई यार बड़ा चेन्नई और चेन्नई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए जैसा मेरीना बीच हाँ ये वाली महाबलीपुरम टेम्पल फोर्ट एसटी जॉर्ज अरिकनर अन्ना जुलू अन्ना एमजीएम डीजी ओल्ड गुइंडी नेशनल पार्क एंड स्नेक पार्क स्नेक मतलब पार्क है बेल्लनकानी श्रेणी रायापुरम फिशिंग हार्बर इतनी सारी कश्तियां मद्रास क्रोकोडाइल अरे भाई इधर मैंने नहीं जाना थाउजेंड लाइट मस्को कपिलेश्वर टेम्पल इलियट्स बीच एमजीआर मेमोरियल श्री पथसरथी टेम्पल बल्लूबर कट्टा मतलब काफी जगह हैं मद्रास और सेमेट्री बिरला प्लानिटेरियम सेंट थॉमस आर्च नेट्टुकुप्पम चोलामंडल आर्ट कुछ नाम तो लेना भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं मेरे लिए विवेकानंद हाउस गवर्नमेंट म्यूजियम। तो दोस्तों ये थी चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चेन्नई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह कुछ फेमस प्लेसेस। तो अब हम कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया सिटी ऑफ जॉय 1886 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ कोलकाता भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया है जहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। मुंबई और दिल्ली के बाद आता है। एक कहावत है कि हॉट कोलकाता थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो यानी कोलकाता जो आज सोच रहा है पूरे भारत कोलकाता आगे है तुम लोगों से। ये बात इसलिए की जाती है क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत का कैपिटल हुआ करता था कोलकाता। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 35 साल पहले भारत में मेट्रो रेल चलने की बात जी हाँ वो कोलकाता ने करके दिखाया सबसे पहले मेट्रो में इधर बनी है कोलकाता में मेट्रो रेल चल रहा है। द 42 कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत है 65 फ्लोर्स के साथ एक कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत है जहां से आप कोलकाता सिटी का शानदार नजारा और शानदार व्यू का मजा टावर है बिल्कुल हां। कोलकाता पूरे साउथ एशिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे अभी भी ट्राम रेल चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे स्टेडियम और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम। दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब जो अभी तक मौजूद है वो है कोलकाता पोलो क्लब और दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है मतलब क्रिकेट के हिसाब से ना कोलकाता बहुत आगे है। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब दुनिया में बसा दूसरा सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। कोलकाता में स्थित बिरला प्लानिटेरियम एशिया का सबसे बड़ा प्लानिटेरियम है। एशिया के सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी कोलकाता में ही रेड लाइट एरिया। कोलकाता में स्थित आलीपुर जू भारत में सबसे पुराना जू है। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है। कोलकाता साइंस सिटी भी इंडिया के सबसे बड़ा साइंस सिटी है। मतलब कोलकाता में काफी चीजें हैं जो पूरी दुनिया और एशिया की हैं बड़ी। कोलकाता बुक फेयर भी एशिया के सबसे बड़ा बुक फेयर और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। हुगली रिवर के ऊपर में बना हुआ हावड़ा ब्रिज इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था इस तरह का एक इधर भी अंग्रेजों ने बनाया था हमारे घर के पास। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है 23 प्लेटफॉर्म से हर दिन 617 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 12% ग्रोथ के साथ कोलकाता की कुल जीडीपी 190 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। कोलकाता एयरपोर्ट इंडिया का 5th मोस्ट बिजी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया के बेस्ट इम्प्रूव एयरपोर्ट घोषित किया। यार बड़ा बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ऑस्कर अवार्ड और नोबेल प्राइज जीतना कोलकाता के लोगों के लिए कामबाज जैसा ही है क्योंकि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ से पास पास लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है और भारत का सबसे बड़ा पब्लिक लाइब्रेरी भी कोलकाता में ही स्थित है। मतलब सबसे बड़ा बड़ा जॉब भी शुरू होगा वो कोलकाता में होगा। इसके अलावा कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। करीब 11 किलोमीटर लेंथ के साथ हुगली रिवर के नीचे से चलने वाला ये मेट्रो भारत का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है।
और आने वाले समय में कोलकाता में होने वाले कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसा कालीघाट स्काईवॉक, बेंगल सिलिकॉन वैली हब, कोलकाता आई। अगर आप कोलकाता जाना चाहते हो तो कोलकाता जाके इन जगहों पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु, बिरला प्लानिटेरियम, इंडियन म्यूजियम, माधारक्स म्यूजियम, काफी प्यारी बिल्डिंग है, इको पार्क, निको पार्क और निको पार्क, मार्वल पैलेस, साइंस सिटी, एसटी पॉल्स कैथेड्रल, बिरला मंदिर, कूल, कालीघाट टेंपल, शोभा बाजार राजबाड़ी, बोटेनिकल गार्डन, अलीपुर जू, जू भी है, प्रिंसेप घाट, एक्वाटिका वाटर थीम पार्क, मुझे स्विमिंग पूल्स बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये थी कोलकाता और चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से चेन्नई और कोलकाता के बारे में काफी बिल्कुल मिला है। अगर वीडियो अच्छा है तो इनके चैनल का मैं लिंक यार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लीज यार बेल आइकन को भी प्रेस सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, जय हिंद, काफी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं भाई। यार काफी मजे की वीडियो थी, सच्ची बताऊं खत्म नहीं हुई अभी तक। हाँ चलो इसको खत्म लगता है कर ही दे, चलो बाद में ये इसको। सो गाइस ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। यार इतना कुछ जाना इन दोनों मतलब सिटीज़ के बारे में, इतनी ज़्यादा नॉलेज को प्राप्त कर लिया कि अभी मेरा माइंड नहीं काम कर रहा कि उसको स्टोर कहाँ पे करूँ, उस नॉलेज को मैं स्टोर कहाँ करूँ। तो गाइस बहुत ही मज़े की वीडियो थी, मतलब कोलकाता में मतलब वो एक दिन आगे ही चल रहा है, मतलब सबसे मतलब फ्यूचर में ही चल रहा है, मतलब सबसे पहले मेट्रो उधर बनी सब कुछ, मतलब जब भी मैं जो ही सुन रहा था मतलब वो इंडिया का सबसे पहला या तो फिर सबसे बड़ा, एशिया का या दुनिया का सबसे बड़ा, सब कुछ वही कोलकाता में ही बता रहे थे। और इसी तरह चेन्नई की अपनी भी खासियत थी, मतलब उधर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, मतलब उधर घूमने की जगह, वो क्रोकोडाइल वाला यार भाई मैंने नहीं जाना, क्रोकोडाइल वाली जगह में मुझे मतलब नहीं अच्छी लगती। तो और यार बहुत ही मुझे अच्छी लगी ये वीडियो, यकीन मानो बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिली, और इसको मैं अपनी माइंड में स्टोर करने की पूरी पूरी कोशिश भी करूँगा कि मेरे माइंड में रहे। और यार बस इंडिया को एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आ रहा है, और आप जो तगड़ा सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए यार थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट दैट। और गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना यार, मतलब और नहीं शेयर को छोड़ो, मारो गोला शेयर को, सब्सक्राइब लाजमी करना, सब्सक्राइब करना। और यार कमेंट जो है ना वो तो अल्ट्रा लाजमी करना, क्योंकि कमेंट से यार बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है यार, आप लोग कमेंट करते हो यार दिल को सुकून मिलता है और जज्बा मिलता है कि हम आपके लिए वीडियोज़ बनाएँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ। तो यार प्लीज़ कर दो यार, कर दो भाई, होगी हाथ जोड़ दो। और यार एम करते हैं हम 50 लाइक्स, तो प्लीज़ 50 लाइक्स कर देना। सो 50 यार कर देना, 50 ही है क्या आपके लिए मुश्किल, तो थोड़ी है 50 लाइक्स हैं। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, जो भी जो भी जो भी जो भी जो भी बाय।